इंडियन प्रीमियर लीग 2020 में मुंबई इंडियंस को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका अदा करने वाले ऑलराउंडर कृणाल पांड्या को मुंबई एयरपोर्ट पर अवैध सोना लाने के आरोप में रोका गया। कृणाल पांड्या पर आरोप है कि वो यूएई से तय सीमा से ज्यादा सोना लेकर आए, साथ ही उनके पास से कुछ कीमती सामान भी मिला है। कृणाल पांड्या को डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने रोका। इस पूरे मामले में कस्टम के अधिकारी फिलहाल उनसे पूछताछ कर रहे हैं। आपको बता दें कि कृणाल पांड्या ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या के बड़े भाई हैं। दोनों ही भाइयों को गोल्ड ज्वेलरी का शौक है। कृणाल पांड्या अपनी पत्नी पंखुड़ी के साथ दुबई गए थे, वहीं हार्दिक पांड्या दुबई से ही ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें, अरब देशों में सोने का दाम काफी कम होता है और अधिकतर लोग वहां सोने की खरीदारी करते हैं। विदेश से सोना भारत लाने के लिए दो नियम हैं। पुरुष यात्री 20 ग्राम, वहीं महिलाएं अपने साथ 40 ग्राम सोना वापसी में ला सकती हैं। 1 किलो तक सोना लाने के लिए तकरीबन 12.5% सीमा शुल्क का भुगतान करना होता है, जबकि कम समय के लिए विदेश गए व्यक्ति को सोने पर 38% और 6 महीने बाद वापस आने पर अतिरिक्त सोने के लिए तकरीबन 14% सीमा शुल्क देना होता है। तो तय सीमा से ज्यादा सोना लाने पर मुंबई एयरपोर्ट पर हार्दिक पांड्या के बड़े भाई कृणाल पांड्या को एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया है और अब उनसे पूछताछ की जा रही है।